मजाक है विवान, मुझे लड्डू बहुत पसंद है और लाइए। अरे पहले ये वाले लड्डू तो खा ले। मम्मी मैंने ये नहीं निकाला, किधर गया? विवान बेटा मुझे और भी काम है। करुणा जी देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं विवान के साथ मिलके ये सारे लड्डू निपटा लूंगा। ठीक है खा लेना। मम्मी लेकिन ये मैंने नहीं लिखा है। जॉब है मार। भैमार अपनी औकात में रहो। ना 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 ना। तौबा तौबा, ये क्या गुस्ताखी है? गुस्ताखी करने से रोक रहा हूं आपको। सोचिए भैराजा, अगर भैरानी को आपके इस हरकत के बारे में पता चला तो आपको भैमार से मच्छर मार बना देगी। ए! ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब राजा चाहे गद्दी पे बैठे या घास की चटाई पे, राजा तो राजा ही रहेगा ना। सोचिए भाई राजा, शांत राजा, शांत राजा। जिम्नासा को जब आना होगा तब आएगी, तब तक काल लोक के सारे फैसले मैं लूंगा। वीर तिलक को कैसे रोकना है इसकी जिम्मेदारी अब मैं लेता हूं। मैं यहां किस आया ऐसे? जादू से। अब बताओ मानते हो या नहीं कि बालवीर हम परियां जादू सच में है? नहीं 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 मानता मैं बालवीर, ना ही परी और ना ही जादू को। अच्छा तो ये बताओ, जब तुम किसी को सच बताने की कोशिश कर रहे थे तो बोल क्यों नहीं पा रहे थे? बोलना कुछ और चाहते थे और बोल कुछ और रहे थे। हाँ, और आज जो तुमने चिट्ठी लिखी थी वो कैसे बदल गई बताऊं? कैसे? ऐसे। और इसी रूप में मैं तुम्हारे सामने थी और तुम मुझे देख भी नहीं पाए। ऐसे। और असल में मेरा नाम मेघा नहीं, मस्ती परी है। और मैं हूँ ज्वाला परी। देखना चाहोगी मेरी शक्तियाँ? मैं हूँ पानी परी। पानी पूरी? पानी पूरी नहीं, पानी परी, समझे?
आई हूँ फिर। हवा ही मेरी शक्ति है, देखना चाहोगे? ध्वनि परी, अगर तुम जादू पर यकीन करोगे तो हम सब की शक्तियां तुम्हें मिल सकती है। सच्ची? और मैं हूँ कीकी, सुनने की शक्ति है मेरे पास। पिछली बार तुम्हें गलती से बालवीर समझकर मैंने ही तुम्हें हवा में उड़ा दिया था ऐसे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे नीचे उतारो, नहीं प्लीज। मैं हवा में कैसे उड़ गया? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे नीचे उतारो। विवान, तुम तो इनसे भी ऊंची उड़ानों के लिए बने हो। तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि मजा आना चाहिए। मुझे तो लगता है यही चमत्कार फैला रहा जादू भारत नगर में, लेकिन बुलबुलों से ऐसा जादू? वहां पे तो कोई नहीं है। अरे अभी वहीं पे जाओ। इसका मतलब जो भी अभी तक हो रहा था वो सब जादू था। इसके अलावा और भी कई सारी बातें जो तुम्हें अभी याद नहीं, वो ये है। अब पूरा हुआ 20 नाइन। लेकिन क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा मेरे साथ? क्योंकि तुम भी हम में से एक हो। ऐसा निशान तो मेरे पास भी है। ये निशान तुम्हारे हाथ में है क्योंकि अब तुम भी हो बालवीर। तुम्हारा वीर स्नान हो चुका है और तुम्हारा वीर तिलक होने के बाद ये सारी शक्तियां तुम्हें मिल जाएगी। इसका मतलब पानी भरी, ज्वाला भरी, वायु भरी, ध्वनि भरी, मस्ती भरी, इन सबकी शक्तियां मिलेगी। अरे विवान, ये सारी शक्तियां तुम्हारी हो सकती है अगर तुम वीर तिलक और बालवीर बनने के लिए तैयार हो जाओ तो। मैं तैयार हूं। हाँ।
मेरा मतलब है बालवीर, इतनी शक्ति है तो सलमान भाई को किसी एक फिल्म में एक साथ नहीं मिली। सो मैं ऑफ कोर्स तैयार हूँ ब्रो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी मम्मी मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, खास तौर से जब से मेरी किडनैपिंग हुई है। तो इसलिए मेरी शर्त यह है कि मेरा वीर तिलक जहां भी होगा मेरी मम्मी मेरे साथ आएगी। विवान तुम चिंता मत करो, करुणा जी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा वीर तिलक कहाँ हो रहा है। कैसे नहीं पता चलेगा ब्रो, तुम जानते नहीं हो आजकल मम्मी का क्या हाल है। मैं बाथरूम में 5 मिनट भी देर कर देता हूँ ना, दरवाजा खटखटा के फूटती है कि विवान बेटा तू ठीक तो है ना। विवान हम पर भरोसा करो, तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तुम हमारे साथ भी होंगे और अपनी माँ के साथ भी। वो किसे? क्योंकि हमारे पास बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक और विवान है। वो मेरा डुप्लीकेट? ओके, तो मेरी शर्त चेंज, वीर तिलक के लिए जाने से पहले मैं अपने डुप्लीकेट से एक बार मिलकर कुछ खास बात करना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई, घर पे सब बच्चे आए थे तो चिंडू चिंडी के साथ खेलने में थोड़ी देर हो गई। नमस्ते, वैसे मेरा नाम डूबा डूबा है। नाम तुम्हारा डूबा डूबा है पर मेरा नाम क्यों डुबा रहे हो? चिंडू चिंडी के साथ तुम कैसे खेल सकते हो भाई? हाँ तुम जानते नहीं हो क्या, शेर और जुआ कभी दोस्त नहीं बन सकते, तेज और पानी कभी एक नहीं हो सकते। ये दो अलग बातें नहीं हो गई, गिर पड़ी थी कि जैसे? नहीं, सेम ही चल रही है। मेरे जैसे बनने के लिए तुम्हें कम से कम एक बार चिंटू चिंटी को कीचड़ में गिराना, एक बार भूत बनकर डराना ताकि उनको याद आ जाए उनके नाना। ये सब सुनकर ही मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा है, समझे कि नहीं समझे? मैं तो एकदम शांति प्रिय हूँ, मिलजुल कर रहने में विश्वास रखता हूँ। और डुप्लीकेट, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो लोग घोड़े को गधा समझने लगेंगे। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहने देना, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मेरी मम्मी को थोड़ी सी भी तकलीफ मत देना वरना। नहीं नहीं नहीं, मैं उनको तकलीफ क्यों दूंगा, और वो तो मेरी माँ जैसी है। मैं तो बल्कि उनको बहुत प्यार करूंगा और उनसे बहुत प्यार लूंगा भी। ये सब शक्ल से विवान है, मैं तो कहता हूँ किसी और को विमान बना के भेज दो। विमान मुझे डुबा डुबा पर पूरा भरोसा है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब हम और देर नहीं कर सकते, वीर तिलक का समय निकला जा रहा है। ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन तुम ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना। डुबा डुबा अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो इस सीटी में फूंक मारना, इसकी तरंगे ना हम तक पहुंच जाएंगे और हम तुरंत यहाँ आ जाएंगे। ठीक है? चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। हम जहाँ जा रहे हैं उधर तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन तुम इधर कुछ गड़बड़ मत कर देना। हाँ नहीं करूंगा। चलो। अरे एक बार देख तो लो बचती है या नहीं। क्या हुआ डुबा डुबा? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि सीढ़ी ठीक से बचती है या नहीं। बचती है बचती है। मुझे वायुपुरी से माफी मांगनी चाहिए। डुबा डुबा माफी मांगने के लिए सीटी बजाई थी, जब आपने दी है सीटी तो बजती होगी ना, समझे कि नहीं समझे? अब जाओ ठीक से। मेरा दिल धबड़ धबड़ क्यों कर रहा है? वाई परी को बुलाना पड़ेगा।
डूबा डूबा अगर तुम बार बार ऐसा करोगे ना तो मैं अगली बार नहीं आऊंगी। वही सोचकर तो दिल लबड़ दबड़ कर रहा है। अगर यहाँ कोई मुसीबत हो गई और इस सीटी की आवाज अब तक नहीं पहुंची तो तब क्या होगा? ये तीन जादुई सितारे छोटी मोटी गड़बड़ी से ये तुम्हें बचा कर रखेंगे। लो अब मैं जाओ। अब ठीक है, अब जब मैं आसमान से गिरूंगा तो कम से कम खजूर पे आकर अटक जाऊंगा, सीधे जमीन पर भी नहीं गिरूंगा। समझे कि नहीं समझे? शुक्रिया वायु परी। सपने में भी नहीं देखी। सुपर्ब। ये शेर ये ऐसे खुला क्यों घूम रहा है? शेर को मेरा मतलब शेर सर आप इस तरफ क्यों आ रहे हो? शेर सर प्लीज शेर शेर सर मुझे खाके तो आपका नाश्ता भी नहीं होगा क्योंकि मैं छोटा हूँ ना इसलिए थोड़ा कच्चा भी हूँ। अरे आप सब हंस क्या रहे हैं? कोई टाइम क्यों नहीं रहा शेर से? मेरा मतलब शेर सर से। अरे क्या कर रही हूँ क्या कर रही हो? वीरलोक में स्वागत है तुम्हारा विवान। बोलने वाले शेर जी। विवान ये शौर्य है, इस वीरलोक के पालनहार और हमारे मार्गदर्शक। वीरलोक में तुम्हारा स्वागत है विवान। थैंक यू, कमाल है यहाँ तो सब बोलते हैं, हाथी भी शेर भी। सुपर्ब। पेड़ पौधे भी जरूरत पड़ने पर ये भी बोलते हैं। अब हमें बिना देरी किए विवान का वीर तिलक शुरू कर देना चाहिए। बालवीर बस थोड़ी देर और बच्चों फिर खाना रेडी हो जाएगा। यस, हमें एक पॉइंट मिल गए। यस। विवान, अब तुम्हारी पलटन की बारी। विवान तू जा, जा, जा। तू जा। मैं? अरे हाँ यार। बॉडीगार्ड तो दो शब्द की कोई फिल्म है। कितने बजे? कितने बजे? दो बजे, दो बजे। हाँ, दो। फर्स्ट वर्ड बोल, फर्स्ट वर्ड बोल। कपड़े 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 हाथ हाथ हाथ। बॉडी मतलब शरीर। 2.5 किलो का हाथ। बाइसेप्स बजरंगी भाईजान सुमन। इनको कैसे समझाऊं? नहीं मानेंगे तुम्हारा।
क्या कर दिया डुबा डुबा, परछाई दिखाकर बॉडी शब समझाने के चक्कर में गलती हो गई। दिल धबड़ धबड़ हो रहा है, तो ऊपर विवान का वीर तिलक होगा और नीचे मेरी कुटाई। वो कौन है आईने के अंदर? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.